हम बीए पार्ट थर्ड समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र में नगरों की विशेषताएं देख रहे थे, जिसमें अगली विशेषता है सांस्कृतिक विशेषताएं। इसमें पहला ये माना गया कि ये नगर सभ्यता के वाहक रहे हैं, कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन। नगरों को सभ्यता और संस्कृति का वाहक और पोषक माना जाता है। विश्व के महान सभ्यताओं का केंद्र नगर ही रहे हैं। तक्षशिला, नालंदा जैसी अनेक प्रकार की उच्च शैक्षणिक संस्थाएं यहाँ रही है, जिन्हें उच्च सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। नगरों का विकास सभ्यता के विकास के साथ ही हुआ है। दूसरा है शिक्षा और संस्कृति के केंद्र। हम जानते हैं कि गांवों की तुलना में नगरों में शिक्षा की सुविधाएं ज़्यादा मिलती है। नगरों में विभिन्न प्रकार के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, कला, संगीत, प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि के विद्यालय व महाविद्यालय होते हैं, जिनमें छात्रों के रुचि के अनुसार प्रवेश दिया जाता है। कला, संगीत, साहित्य, संस्कृति आदि की शिक्षा भी नगरों में दी जाती है। इस प्रकार नगरों में व्यक्ति के चहुमुखी विकास का अवसर मिल जाता है। और ये यहाँ पे अनुसंधान कार्य भी होते हैं और व्यक्ति के ज्ञान में एक तरीके से इसके द्वारा वृद्धि होती है। तीसरा फैशन। फैशन का संबंध एक तरीके से परिवर्तन और नवीनता से होता है। और ये भी कहे कि गांवों में और छोटी जगह में कम पाया जाता है, नगरों और महानगरों में ज्यादा पाया जाता है। ये है विश्व में होने वाली सभी गतिविधियों से प्रभावित रहते हैं नगर, और ये इसके वाहक भी हैं। फैशन के प्रति भी नगरों में विशेष आकर्षण रहता है। हर क्षेत्र में नवीनता उसकी विशेषता है। विभिन्न प्रकार के वस्त्र, केश, विन्यास, कला आदि सभी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के फैशन नगरों में दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि छोटी जगह में जब वो फैशन फैलता है, उससे पहले महानगरों में तो वो एक तरीके से विलुप्त भी हो जाता है। उसको छोड़कर के लोग बाग दूसरी चीजें अपना लेते हैं। अगला इसका माना गया राजनीतिक विशेषताएं। इसमें एक माना गया कि व्यक्तिवादिता और प्रतिस्पर्धा। नगरों में व्यक्तिवादिता ज्यादा पाई जाती है। व्यक्ति का लक्ष्य साधन संपन्न होना और धनी बनना हो जाता है। व्यक्ति अपने लिए ही चिंतित रहता है। व्यक्तिवादिता के कारण प्रतिस्पर्धा की भावना भी नगरों में हो गई है। ये प्रतिस्पर्धा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, यहाँ तक कि पारिवारिक जीवन में भी देखी जा सकती है। इसीलिए डेविस का कहना है कि नगरीय समुदाय में व्यक्तिवादिता का मुख्य तत्व पाया जाता है। राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र। नगर केवल शिक्षा और संस्कृति का ही नहीं, बल्कि राजनीतिक गतिविधियों का भी केंद्र होते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यालय प्राय राजधानियों में ही होते हैं, जहां उनके भावी नीतियां और कार्यक्रम निर्धारित और क्रियान्वित होते हैं। राजनीतिक आंदोलन की जन्म स्थली भी नगर होते हैं और ये जागरूकता भी यहाँ ज्यादा होती है। नगर की कुछ अन्य विशेषताएं भी पाई जाती है। एक तो है परिवहन और संचार के साधन। नगरों में परिवहन व संचार सुविधाएं भी ज्यादा होती है। द्रुतगामी व दूरगामी बस, रेल व्यक्तियों को किसी भी स्थान से कहीं भी शीघ्र ले जाने में सक्षम होती है। ब्रॉड गेज से भी जुड़े हुए होते हैं, ये राष्ट्रीय उच्च मार्ग से भी जुड़े हुए होते हैं, हवाई मार्ग से भी जुड़े हुए होते हैं। संचार प्रणाली में भी नगरों में ज्यादा सक्रियता होती है। तार, टेलीफोन, सेल्यूलर, मोबाइल फोन, कोरियर सेवा,